एक सदियों पुरानी चुड़ैल जिसका नाम तीन बार पुकारने पर वो इंसानों की दुनिया में आ जाती है और अपना नाम पुकारने वाले को अपने साथ ले जाती है एक दर्दनाक मौत देकर। बस इतनी सी बात से समझ ही गए होगे कि आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में। और हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश भी की होगी। कुछ लोग ब्लडी मैरी पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग इसे केवल एक कहानी मानते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावनी अर्बन लेजेंड है। तो क्या सच में रात में तीन बार आईने के सामने ब्लडी मैरी का नाम लेने से वो आ जाती है? ब्लू बेबी से इसका क्या रिलेशन है और आखिर क्या है ब्लडी मैरी की एक्चुअल पूरी कहानी, जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलते हैं इतिहास में जहां पर छिपा हुआ है ब्लडी मैरी के होने का असली राज। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत डर भी लग सकता है आज के फाड़ू वीडियो में। रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने घर के किसी भी शीशे में तीन बार ब्लडी मैरी बोलने पर ब्लडी मैरी आपको उस शीशे में दिखाई देने लगती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आईना एक पोर्टल की तरह काम करता है जिसके द्वारा दूसरी शैतानी दुनिया की शक्तियां हमारी दुनिया में आ सकती है। तो अगर आप ये रिचुअल ठीक से करते हैं तो आपको ब्लडी मैरी उस आईने में दिखाई देती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो काफी जोर से चिल्लाती है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लडी मैरी उस आईने से बाहर निकलकर उसे पुकारने वाले शख्स पर हमला भी करती है। और ये केवल कुछ लोगों का मानना नहीं है, कई लोगों का दावा है कि उनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन अफसोस कि वो दावा करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लडी मैरी के हाथ में एक बच्चा भी होता है और वो बच्चा नीले रंग का होता है। बहुत से लोग उस बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। अगर आप ब्लडी मैरी को आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारा बच्चा चुराया है बोलेंगे, तब तो वो आप पर पक्का हमला कर देगी। यहाँ तक कहा जाता है कि ब्लडी मैरी बुलाने वाले इंसान को वो सपनों में आकर परेशान करती है और इतना डराती है कि वो इंसान पागल हो जाता है, अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अब आप बोलोगे ये सब तो हमको मालूम है, हम बहुत हॉरर वीडियो देखते हैं गौरव भाई, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्लडी मैरी की शुरुआत कहां से हुई? ये सब आखिर सच है या झूठ? इसके पीछे क्या राज है? तो इस सच्चाई को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा ब्रिटेन, वो भी 2022 वाले ब्रिटेन में नहीं, 1520 वाले ब्रिटेन में। डर एक ऐसी चीज है जो हर किसी को हिलाकर रख देता है। भूत प्रेत का डर काल्पनिक हो सकता है और नहीं भी, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो रियल लाइफ में हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं। जैसे बचपन में एग्जाम में फेल हो जाने का डर, जवानी में जॉब ना मिलने का डर और बुढ़ापे में सहारा ना मिलने का डर। आप बोलोगे भाई इन सब बातों का ब्लडी मैरी के इतिहास से क्या संबंध है? इसका ब्लडी मैरी से तो नहीं, लेकिन आपकी लाइफ से बहुत गहरा संबंध है। तो बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, सुन लेना। देखो मैं तुम्हारे भूत प्रेत के डर को तो कम नहीं कर सकता, लेकिन डर को कम कर सकता हूँ जो है आपके पास पैसे ना होना या जॉब ना होना, क्योंकि ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है। पिछले 10 दिनों में मैंने बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा, रिलायंस, जोमेटो और अमेज़न में सेल्स, मार्केटिंग, डिलीवरी बॉय और टेलीकॉलर्स जैसी 70 से भी ज्यादा जॉब्स की कैटेगरी के लिए पार्ट टाइम, फुल टाइम और वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स निकाली है इंडिया में रहने वाले मेरे हर व्यूअर्स के लिए। और इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस लिंक से अपना ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर उसे वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आपको एंट्री करनी है अपना नाम, अपना एरिया, जॉब कैटेगरी, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एजुकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर अपडेट करनी है। और उसके बाद सिंपली आपको अपनी मनपसंद जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। बस इस बात का ख्याल रखना कि आपको अपनी प्रोफाइल पूरी अच्छे से अपडेट करनी है और कम से कम 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और हाँ, यहाँ पर आपको किसी को भी एक पैसा भी नहीं देना है जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। तो 10,000 से लेकर 40,000 तक की सैलरी वाली जॉब पर सैलरी कमाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अपना ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। ये बहुत काम की ऐप है इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको अपना ड्रीम जॉब दिला सकती है। और जॉब होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जॉब नहीं होगा तो खाली बैठोगे और फिर आईने के सामने ब्लडी मैरी को बुलाओगे जो आपका काम लगा देगी। तो ऐसे काम बिल्कुल मत करना। अगर सच में ब्लडी मैरी आ गई तो क्या पता आपके साथ हुए हादसे पर मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ जाए। एनीवे, अब चलते हैं ब्लडी मैरी के इतिहास की तरफ और जानते हैं कि आखिर ये आई कहां से। ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूडर और ये थी इंग्लैंड की रानी। और इसकी मौत के
उसके बाद इसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे। उनके घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था मैरी। ये वही थी ब्लडी मैरी। लेकिन हेनरी को कोई लड़का नहीं हो रहा था और इस बात की उन्हें थी बड़ी टेंशन के भैया उनका राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि मैरी तो थी एक लड़की, इसीलिए मैरी को उसके पिता पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैरी थी बड़ी तेज, वो करना चाहती थी राज, इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों और सारे भी रिश्तेदारों के जितने बच्चे थे, लड़के थे, सबको खत्म करवा दिया ताकि उसके पापा किसी और को राज ना दे दें। उसके बाद मैरी रानी बन गई, लेकिन वो थी बड़ी क्रूर रानी। वो अपनी हर बात को पूरी प्रजा से मनवाना चाहती थी और अगर कोई भी रानी की बात मानने से इनकार करता तो रानी उसके खेल लगा देती थी, उसको खत्म करवाती थी पब्लिकली, उसको ऐसी सजा देती थी कि वो सजा देख कर प्रजा में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। अपनी बात ना मानने वाले लोगों को वो जिंदा जला देती थी, जिनको जलाती नहीं थी उनके शरीर को काट कर उनका खून एक बर्तन में इकट्ठा करके से नहाती थी। और ये तो केवल 2-3 घटना है, वो ऐसे ऐसे काम करती थी जो शायद हिटलर ने भी ना किए होंगे। लेकिन इस वजह से उसे ब्लडी मैरी नहीं बोलते, इस नाम के पीछे कारण कुछ और है। रानी की हो गई शादी और उसको हुआ एक बच्चा, मतलब बच्चा हुआ नहीं, रानी प्रेग्नेंट हो गई। सबको लगा कि अब रानी थोड़ी सी शांत हो जाएगी, लेकिन जब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम आया, मतलब जब वो बच्चा पैदा करने वाली थी, तो बच्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि रानी का पेट तो फूला हुआ था, उस पेट में गैस भी नहीं थी। ओझा ने बताया कि तुम्हारी में एक शैतान पल रहा था। और उसके बाद रानी बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बीमार रहने लगी, क्योंकि भैया उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, अब बच्चा नहीं होगा तो उसके राजपाट को कौन संभालेगा। और ब्लडी मैरी मतलब रानी मैरी अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन नहीं देने वाली थी, क्योंकि अगर दूसरी शादी होती तो भाई उस औरत का बच्चा राजा बनता। और इसी गम में मैरी बीमार पड़ती गई और एक दिन उसकी दर्दनाक मौत हो गई। अब चूंकि उसके पेट में एक भूत निवास कर रहा था, ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। लोगों का मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था, जिसे आज लोग ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौतें होने लगी। जो लोग भी शीशे के सामने या रात के समय ब्लडी मैरी को याद करते थे, ब्लडी मैरी उनके सामने आ जाती थी और उनको मार डालती थी। धीरे धीरे ये कहानियां पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि दुनिया में हर कोई ब्लडी मैरी जैसे अर्बन लेजेंड पर विश्वास रखने लगा। लोगों ने ब्लडी मैरी को श्रापित घोषित कर दिया, उसके नाम तक को श्रापित घोषित कर दिया कि अगर कोई उसका नाम 3 बार ले ले तो फिर वो कुछ भी लेने लायक नहीं बचता, क्योंकि फिर ब्लडी मैरी ले लेती थी उसकी जान। देखो ये तो थी लोक कथा कि उसके पेट में शैतान पल रहा था, वो श्रापित थी। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को आज की साइंस की दृष्टि से, मतलब साइंस की नजर से देखते हैं, तो पाते हैं कि रानी मैरी को एक बीमारी थी जिसका नाम था स्यूडोसाइसिस। इसको सिंपल लैंग्वेज में फॉल्स प्रेगनेंसी भी बोलते हैं और ये बहुत सारी औरतों के साथ होता है। मतलब उनको 9 महीने तक लगता है कि वो प्रेगनेंट है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेगनेंट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन औरतों के पेट में शैतान पल रहा होता है, ये एक बीमारी है। लेकिन 1520 के समय के साइंटिस्ट को या डॉक्टरों को इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। उस टाइम तो भैया झाड़ फूंक, जादू टोना, इन सब पर ज्यादा विश्वास किया जाता था। और इसी चक्कर में ब्लडी मैरी मतलब रानी मैरी के बारे में ये बात फेमस हो गई कि उनके पेट में एक शैतान पल रहा था, जबकि उनको एक सिंपल सी बीमारी थी। मतलब सिंपल सी बीमारी तो नहीं थी, बहुत बड़ी बीमारी थी। और भाई मुझे तो डर लग रहा है इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने खुद ब्लडी मैरी का नाम पता नहीं कितनी बार ले लिया है, कहीं ऐसा ना हो के देखो। माना जाता है कि नाम बुलाने पर ब्लडी मैरी की आत्मा आती है, आती है मगर बुलाने का नहीं, और अगर वो तुम्हें बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस पूरी घटना के पीछे साइंस था, एक बीमारी थी स्यूडोसाइसिस या फॉल्स प्रेगनेंसी, या वाकई में रानी मैरी इतनी ज्यादा क्रूर थी कि उसके पेट में एक्चुअल में कोई शैतान पल रहा था। और अगर शैतान पल रहा था तो फिर वो पैदा क्यों नहीं हुआ, जा पूछ क्या। रानी मैरी की एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हिस्ट्री है, उसने कई लोगों की जान ली, दर्दनाक मौतें दी, अपनी प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार किया, तो इन दी एंड उसका इतना बुरा हाल तो होना ही था, क्योंकि भैया इंसान जो भी करता है उसका फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। और रानी मैरी अपने कर्मों की सजा आज तक भुगत रही है कि उसके नाम तक को श्रापित माना जाता है, कोई उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, लोग आज भी उसकी कहानियों से डरते हैं। और रही बात रात के 3 बजे बुलाने पर आने वाली उस आत्मा की, मैं आपको बता दूं इसके पीछे
एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिक रीजन है। एनीवे, इस टॉपिक पर मैंने डिटेल में एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। रात को 3 बजे आप नींद में होते हो, अगर आप नहीं भी सोए होते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोना चाहता है, क्योंकि ये आपके सोने और रिलैक्स करने का टाइम है। और आपके मन में ऐसी कहानियां बिठाल दी गई हैं कि आप रात में ब्लडी मैरी का नाम लोगे तो वो आपको दिखाई देगी। तो जब आपका माइंड एक्टिव नहीं होता और आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो तो आपको बहुत सारे हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, आपको भ्रम हो सकता है। अगर हवा से कोई छोटी सी चीज भी गिरती है तो आपको यही फील होगा कि शायद ब्लडी मैरी आपके बुलाने पर आ गई है, क्योंकि भैया इंसान के मन का डर ही उसकी मौत का कारण बनता है। इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस घटना है। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति को सजा मिलनी थी तो उसे ये बोला गया कि तुम्हें फांसी की सजा की बजाय जहरीले सांप से डसवा कर तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उसे उसके हाथ में केवल सिंपल सी 2 पिन चुबाई गई, जो कि बिल्कुल जहरीली नहीं थी, लेकिन उस आदमी की मौत हो गई। बाद में जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उस आदमी के शरीर में जहर बन चुका था, जो कि एक सांप के जहर बराबर ही खतरनाक था, क्योंकि उसकी आंखें बांध दी गई थी। उसे नहीं पता था कि उसे सांप ने डसा है या उसके हाथ में सुई चुबोई गई है। तो इंसानी दिमाग एक ऐसी खुरापाती जगह है जहाँ पर जो नहीं भी होता वो भी दिखने लगता है। बस देर है तो आपके दिमाग में एक डरावनी कहानी डालने की, और शायद यही हुआ है ब्लडी मैरी के साथ। जिन लोगों ने भी ब्लडी मैरी को रात में देखने के दावे किए हैं, हो सकता है उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। उन्होंने इस चीज पर इतना बिलीव किया कि रात के 3 बजे उन्होंने इस रिचुअल को प्रैक्टिस किया और उन्हें कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ, जबकि रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो इस चीज की हकीकत को ट्राई करने के लिए आप रात में उसका नाम मत लेना, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। यार एनीवे, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। कैसी लगी आपको ब्लडी मैरी की ये पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी और उससे रिलेटेड ये साइंटिफिक फैक्ट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अपनी मनपसंद जॉब के लिए अप्लाई जरूर करना, लिंक से अपना ऐप को डाउनलोड जरूर करना। और हाँ भैया, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, वहां पर रेगुलर अपडेट आते रहते हैं। अपना सेटअप भी कुछ शायद चेंज होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इंस्टाग्राम पर देता रहूंगा। और हाँ, अभी अपने लेटेस्ट में माइनक्राफ्ट एक वीडियो बनाया था, तो अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना। और हाँ, ऐसे हॉन्टेड और श्रापित गेम्स को खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम पास करने के लिए इस दुनिया में और भी चीजें हैं। ऐसा ना हो टाइम पास करने के चक्कर में आपका, समझ गए ना। चलो मैं डरा नहीं रहा, टेक केयर, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।